मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था, हमें यह पता चला है कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी। आपको सुनकर के ताज्जुब हो रहा है ना, मगर प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है कि हर किसी की ज़ुबान पर नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इनके विषय में चर्चा कर रहे हैं और इनसे प्रेरणा लेते नज़र आ रहे हैं। आइए इसी से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट देखें और चीज़ों को विस्तार से समझें। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप सबका स्वागत था द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वार, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के 110वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी हमें आपके ढेर सारे सुझाव, इनपुट्स और कमेंट्स मिले हैं, और हमेशा की तरह इस बार भी ये चुनौती है कि एपिसोड में किन किन विषयों को शामिल किया जाए। मुझे पॉजिटिविटी से भरे एक से बढ़कर एक इनपुट्स मिले हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे देशवासियों का जिक्र है जो दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उनके जीवन में बेहतरी लाने में जुटे हुए हैं। साथियों, कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। महाकवि भरतियार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक, निया मूर्ति नदी, लाटागुड़ी। चर्चा हो रही है हर किसी की जुबान पर, नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इसके विषय में चर्चा कर रहा है। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है, और इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस बार मन की बात में एक नमो ड्रोन दीदी से बात की जाए। हमारे साथ इस वक्त नमो ड्रोन दीदी सुनीता जी जुड़ी हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुनीता देवी जी, आपको नमस्कार। नमस्ते सर। अच्छा सुनीता जी, पहले मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ, आपके परिवार के विषय में जानना चाहता हूँ, थोड़ा कुछ बता दीजिए। सर, हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, हमें हस्बैंड हैं, माता जी हैं मेरी। आपकी पढ़ाई क्या हुई सुनीता जी? सर, बीए फाइनल है। और वैसे घर में कारोबार वगैरह क्या है? कारोबार वगैरह खेतीबाड़ी संबंधित करते हैं, खेती वगैरह। अच्छा सुनीता जी, ये ड्रोन दीदी बनने का
आपका सफर कैसे शुरू हुआ, आपको ट्रेनिंग कहाँ मिली, कैसे कैसे बदलाव क्या आया, मुझे पहले से जानना है। जी सर, ट्रेनिंग हमारी फूलपुर एफको में हुआ था इलाहाबाद में, और वहीं से हमको ट्रेनिंग मिली है। तो तब तक आपने ड्रोन के विषय में सुना था कभी? सर सुना नहीं था, एक बार ऐसे देखे थे कृषि विज्ञान केंद्र जो सीतापुर का है, वहाँ पे हमने देखा था, पहली बार वहाँ देखा था हमने ड्रोन। सुनीता जी, मुझे ये समझना है कि मानो आप पहले दिन गए, जी पहले दिन आपका ड्रोन दिखाया होगा, फिर कुछ बोर्ड पे पढ़ाया गया होगा, कागज पे पढ़ाया गया होगा, फिर मैदान में ले जाके प्रैक्टिस, क्या क्या हुआ होगा, आप मुझे समझा सकती हैं पूरा वर्णन? जी जी सर, पहले दिन सर हम लोग जब गए हैं तो उसके दूसरे दिन से हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। पहले तो थ्योरी पढ़ाई गई थी, सब क्लास चले थे दो दिन, क्लास में ड्रोन में क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई थी। तीसरे दिन सर हम लोगों का पेपर हुआ था, उसके बाद में फिर सर एक कंप्यूटर पे भी पेपर हुआ था, मतलब पहले क्लास चला, उसके बाद में टेस्ट लिया गया, फिर प्रैक्टिकल करवाया गया था हम लोगों का, मतलब ड्रोन कैसे उड़ाना है, कैसे कैसे मतलब आपको कंट्रोल कैसे संभालना है, हर चीज सिखाई गई थी प्रैक्टिकल के तौर में। फिर ड्रोन काम क्या करेगा वो कैसे सिखाया? सर ड्रोन काम करेगा कि जैसे अभी फसल बड़ी हो रही, बरसात का मौसम या कुछ भी, उसे बरसात में दिक्कत होती, खेत में फसल में हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं तो कैसे मजदूर अंदर जाएगा, तो इसके माध्यम से बहुत फायदा किसानों को होगा और वहाँ खेत में घुसना भी नहीं पड़ेगा। हमारा ड्रोन जो हम मजदूर लगा के अपना काम करते हैं, वो हमारा ड्रोन से मेड़ पे खड़े होके हम अपना वो कर सकते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा अगर खेत के अंदर है उससे हमें सावधानी भी बरतनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, और किसानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। सर हमने 35 एकड़ स्प्रे कर चुके हैं अभी तक, तो किसानों को भी समझ है कि इसका फायदा है? जी सर, किसानों को बहुत संतुष्ट होते हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, समय का भी बचत होता है, सारी सुविधा आप खुद देती हैं, पानी दवा सब साथ साथ में रखती हैं, और हम लोगों को सिर्फ आके खेत बताना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा खेत है, और सारा काम आधा घंटे में ही निपटा देती। तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो? सर बहुत भीड़ लग जाती है ड्रोन देखने के लिए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स लोग हैं वो लोग नंबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे इस तरह के लिए। अच्छा, क्योंकि मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का, अगर आज देश भर की बहनें सुन रही हैं तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेगी आप? जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूँ तो ऐसी हजारों बहनें आगे आए कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने, और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं अकेली हूँ मेरे साथ में और हजारों लोग खड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में ड्रोन दीदी के नाम से पहचानी जाती हैं। चलिए सुनीता जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, ये नमो ड्रोन दीदी ये देश में कृषि को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।